गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको पंजाब नेशनल बैंक की पॉजिटिव पे सिस्टम पॉजिटिव पे सिस्टम कैसे आपको चेक के लिए अप्लाई करें उसके बारे में बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है पॉजिटिव पे सिस्टम है क्या, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ पे गूगल में सर्च मारता हूँ PNB पॉजिटिव पे, ओके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी सारे रिजल्ट आए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट इज़ द पॉजिटिव पे लिमिट फॉर PNB, ओके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि ₹5 लाख, ओके, कि पंजाब नेशनल बैंक हैज़ मेड पॉजिटिव पे सिस्टम मैंडेटरी फॉर चेक पेमेंट्स ओवर 5 लाख एंड अबव इन एन एफर्ट टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम फ्रॉड, ओके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है पंजाब नेशनल बैंक ने, यानी फ्रेंड्स ये RBI की गाइडलाइन है कि आपका अगर चेक का अमाउंट 5 लाख से ऊपर है तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बैंक को इंटीमेट इन्फॉर्म करना होगा, ओके। इंटीमेट फ्रेंड्स कैसे कर सकते हैं आप, एक तो फॉर्म के थ्रू कर सकते हैं, फिजिकल फॉर्म, यानी बैंक में जाके, बैंक में विजिट करके, या फ्रेंड्स आप ये मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या रहेगा कि अगर आपने पंजाब नेशनल बैंक का चेक किसी पार्टी को दिया और वो फ्रेंड्स जो चेक है, यानी आपका साइन भी बराबर है चेक में जो आपने लिखा है, यानी चेक इन ऑर्डर है, यानी सब कुछ बराबर है, फिर भी फ्रेंड और आपका बैलेंस भी वहाँ पे है, फिर भी वो फ्रेंड्स चेक रिटर्न हो जाता है, क्यों फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है कि आपने बैंक को इंटीमेट नहीं किया, किसके अंडर? पॉजिटिव पे सिस्टम के अंडर, ओके। तो फ्रेंड्स, अगर आपका जो चेक, यानी आपने किसी को चेक दिया और वो अमाउंट जो है 5 लाख के ऊपर है, तो फ्रेंड्स आपको वो बैंक को इंटीमेट करना होगा अंडर पॉजिटिव पे सिस्टम। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये मोबाइल बैंकिंग से भी ये आप ये यानी पॉजिटिव पे सिस्टम आपके चेक के लिए मोबाइल बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू पॉजिटिव पे सिस्टम कैसे अप्लाई करें आपके चेक के लिए, चलिए देखते हैं। सबसे पहले लॉगिन करेंगे मोबाइल बैंकिंग पंजाब नेशनल बैंक का, ओके। तो फ्रेंड्स, क्या करेंगे, PNB लॉगिन कर लिया, उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे। फ्रेंड्स, आपको कहाँ पे जाना है, अदर सर्विसेज में जाना है, ओके। अदर सर्विसेज में आप देख सकते हैं पॉजिटिव पे सर्विसेज, ओके। तो पॉजिटिव पे सर्विसेज के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अकाउंट नंबर या अपनी आपका अकाउंट नंबर सिलेक्ट करेंगे, और फ्रेंड्स जैसे कि इश्यूअर नेम, यानी आपका जो नेम है, यानी आपका जो नेम से अकाउंट है वो आपका नेम आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, आपका चेक नंबर, यानी 5 लाख से ऊपर का जो भी चेक है, यानी आपने किसी को दिया है तो वो चेक का चेक नंबर यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर चेक नंबर डालता हूँ, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स चेक अल्फा, ओके। चेक अल्फा में देखिए फ्रेंड्स आपके चेक के ऊपर कुछ अल्फाबेट होगा, ओके। तो फ्रेंड्स, वो आपको चेक अल्फा डालना होगा, ओके। जैसे कि फ्रेंड्स आपका जो चेक अल्फा है वो क्या रहेगा, जैसे कि यहाँ पे, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स चेक अल्फा के बाद डालेंगे यहाँ पे चेक डेट डालेंगे, यानी कौन सी डेट का आपने चेक, यानी चेक के ऊपर कौन सा डेट है, ओके। उसके बाद अमाउंट डालेंगे यहाँ पे, ओके। जैसे कि मैं यहाँ पे डालता हूँ 5 लाख, ओके। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बेनिफिशियरी नेम, यानी पे में किन का नेम लिखा है, ओके। जैसे कि आपने जिनको चेक दिया है, यानी पे में आपने कोई नेम लिखा होगा, तो फ्रेंड्स वो नेम यहाँ पे लिखेंगे, ओके। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया, उसके बाद करेंगे कंटिन्यू, ओके। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स प्री कन्फर्मेशन एक बार ये पढ़ लेंगे, उसके बाद ये सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आपको जो है एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होगा, ओके। जैसे ही आप ये फ्रेंड्स वेरीफाई करेंगे, आपका ये जो चेक है, ओके, वो पॉजिटिव पे के लिए वो रेडी हो जाएगा, ओके। तो फ्रेंड्स, इस केस में आपका जो चेक है वो पॉजिटिव पे के रिगार्डिंग वो रिटर्न नहीं होगा, ओके। तो फ्रेंड्स, आप ये मोबाइल बैंकिंग से इस तरीके से आप ये आपके पर्टिकुलर चेक के लिए, ओके, हाई अमाउंट चेक के लिए आप ये पॉजिटिव पे सिस्टम इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, ओके।